बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा है चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम जो है बेटा वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटमोस से निकला है और एटमोस के मीनिंग होते हैं इनडिवाइजिबल। ठीक है, एटम्स के मुताबिक जो है एटम का लफ्ज़ जो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स थे जिनका नाम था डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस ने एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और एटम जो है इसका ये लफ्ज़ ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है जिसका मतलब क्या होता है, इनडिवाइजिबल, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम जो है हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और एटम्स को एनर्जी में तब्दील भी किया जा सकता है। अब देखिए, अगर आप एटम को देखें तो एटम की आज डेफिनेशन क्या है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, एटम जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। ठीक है, एटम के मुताबिक जो है वो सबसे पहली थ्योरी जो है बेटा वो एक अंग्रेज स्कूल टीचर थे जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन गेव द फर्स्ट थ्योरी अबाउट द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुताबिक उन्होंने दी, विच इज कॉल्ड डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि मैटर जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनता है विच आर इनडिवाइजिबल, जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते। और एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे आर सिमिलर, दे आर अलाइक, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स से क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एटम जो है वो कंबाइन इन डिफरेंट वेज, एटम जो है वो डिफरेंट वेज में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, टाइम गुजरता गया बेटा, एटम के मुताबिक नई रिसर्च होती गई। आप देखिए बेटा, जे जे थॉम्सन ने एटम के मुताबिक पहली थ्योरी पेश की जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो है कि एटम जो है वो जस्ट लाइक ए स्फीयर, एटम जो है वो एक स्फीयर की मानद होता है और इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, वो स्ट्रक होते हैं। ठीक है, जैसे पुडिंग के ऊपर प्लम्स लगे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसने कहा कि एटम जो है वो एक हॉलो स्फीयर होता है, एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, उसके ऊपर कहीं कहीं नेगेटिव चार्जेस स्ट्रक होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, वो स्ट्रक होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अच्छा बेटा, आज हम जानते हैं कि एटम के मोर देन 100 पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड, एटम्स के 100 से ज्यादा पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, आप अगर लिखे एटम के बेटे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो बेटे एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनमें से एक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो ये एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वैसे एटम्स के 100 से ज्यादा पार्टिकल्स मेरा बेटा डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 3 फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आज जो हमारा जो बेटा मेजर टॉपिक है वो है, ठीक है, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनमें से सबसे पहला जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, टॉपिक है हमारा कैथोड रेज एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, 1879 में, ठीक है, विलियम क्रूक्स ये एक ब्रिटिश थे, विलियम क्रूक्स, इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, शीशे की एक ट्यूब ली, ठीक है, इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड, दीज इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, विच आर एक्ट एज ए एनोड एंड कैथोड।
जो एनोड और कैथोड पर मुश्तमिल थे। अच्छा, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसमें दो मेटल्स के बने हुए इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं, जिसमें मेटल्स के बने हुए दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर एक्ट करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड पे होता है। इसके साथ साइड पर एक ट्यूब लगी होती है जिसके साथ वैक्यूम पंप अटैच होता है और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। दीज टू इलेक्ट्रोड, वन इज कॉल्ड एनोड द अदर इज कॉल्ड कैथोड, दे आर अटैच्ड विद ए हाई वोल्टेज बैटरी। अब इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है, 5000 से लेकर 10000 तक होता है वोल्ट, 10000 वोल्ट तक इसका वोल्टेज होता है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज बैटरी होती है। अच्छा, सबसे पहले बेटा क्या होता है, विलियम क्रूक्स ने क्या किया बेटा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप की मदद से जितनी भी एयर थी उसको रिमूव कर दिया। क्या कर लिया, इस वैक्यूम पंप के अंदर जितनी भी एयर थी उस तमाम एयर को बेटा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एयर को रिमूव करने के बाद इसमें गैस भरी और गैस का प्रेशर जो है इस कैप्ट लो। अच्छा, इसमें गैस का प्रेशर लो रखा, तकरीबन 0.001 यानी 10^-4 ATM इतना प्रेशर रखा। द प्रेशर ऑफ द गैस इज कैप्ट लो इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का जो प्रेशर है वो लो रखा। अब क्यों लो रखा गया, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, ठीक है, इसमें से करंट पास नहीं करता, हाई टेम्परेचर पर इसमें से करंट पास नहीं करता, ठीक है, लो प्रेशर पर इसमें से करंट आसानी के साथ पास कर जाता है। लिहाजा द प्रेशर ऑफ द गैस विच इज फिल्ड इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज कैप्ट लो। इसमें जो गैस भरी उसका प्रेशर क्या रखा, लो रखा। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ही उसने इस हाई वोल्टेज बैटरी को जिसका जो है वोल्टेज 5000 से लेकर 10000 तक वोल्ट होता है, जो ही उसने इस बैटरी को ऑन किया तो ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट, उसने क्या देखा कि शाइनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई शाइनी वेव्स पैदा हुई। तो उसने कहा कि रेस कैसे पैदा हुई, ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ठीक है, शाइनी वेव्स प्रोड्यूस जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, ठीक है। उसने कहा हो सकता है मैंने ये जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं मेटल्स के बने हुए उनकी वजह से ऐसा हो। देखिए, उसने इलेक्ट्रोड चेंज करके देखे, फिर भी क्या हुआ, ये रेस पैदा हुई और ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसने कहा हो सकता है कि मैंने जो गैस इसमें फिल की है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो। तो उसने बार बार गैसेस को चेंज करके, बार बार इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन सेम रेज आर प्रोड्यूस्ड विच ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू वर्ड्स एनोड। इन रेज का नाम विलियम क्रूक्स ने क्या रखा, कैथोड रेज, बिकॉज दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू वर्ड्स एनोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, लिहाजा इनका नाम क्या किया, कैथोड रेज। अच्छा, इसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, कैथोड रेज डिस्कवर होगी, तो साइंटिस्ट के जहन में सवाल पैदा हुआ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज रेज, इन रेज की नेचर क्या है, ये रेज किस पे डिपेंड करती है, क्या नेचर है इनकी। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिसमें फैराडे भी है, जे जे थॉम्सन भी है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अच्छा, अब उन तमाम साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो इनकी नेचर भी मालूम की और उसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी मालूम की। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा देखिएगा, अब ये रेस, दीज रेस ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड इन ए स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलरली कैथोड से एनोड की तरफ